आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि लेट 2 - 10x अपॉन में 3 + 10x का इंटीग्रेशन अपने के पास इसके बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। ऐसा अपेयरेंस ना सिर्फ और सिर्फ पहले जेईई एडवांस में होता था, यहाँ पर तो होता भी नहीं था, लेकिन अब से जेईई मेंस ऐसा अपेयरेंस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप बना कर जाइएगा। इंटीग्रेशन क्या दे रखा है 2 - 10x और होल अपोन अपने के क्या दे रखा है, तो होल अपोन में दे रखा है अपने 3 + 10x के बराबर और ये रहा dx। अब देखिए यहां से अपने इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बनाएं और उसके बाद स्प्लिट द डिनोमिनेटर करें, उसके बाद सॉल्व करें। दूसरा तरीका, अगर आप क्वेश्चंस को देखिए गौर से, तो इंटीग्रेशन करके दिखाया गया है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाने हैं। जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाने हैं तो क्यों ना हम इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से अपने क्या हमें इसको क्या करते हैं 10x और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में कन्वर्ट करते हैं और इसमें एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये लिखा हुआ है अपने के पास 2 sin x माइनस टाइम्स अपने के पास 2 sin x नहीं बल्कि 2 cos x। क्या लिखा हुआ है अपने के पास 2 cos x माइनस टाइम्स अपने के पास ये आ गया साइन एक्स के बराबर, हाँ या ना। और डिनोमिनेटर अपने के पास क्या लिखा हुआ, तो 3 cos x 3 cos x और माइनस टाइम्स अपने के पास क्या लिखा हुआ, प्लस टाइम्स लिखा हुआ अपने के पास साइन एक्स और ये रहा अपने के पास dx। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने से पहले अपने के पास इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए 3 cos x 3 cos x नहीं बल्कि अपने के पास 2 cos x नॉमिनेटर को अपने के पास 2 cos x और माइनस टाइम्स 3 sin x माइनस टाइम्स 3 sin x नहीं बल्कि साइन एक्स, इसको हम क्या लिख देते हैं, तो माइनस टाइम्स इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 cos x प्लस टाइम्स साइन एक्स आया ना, और इंटू में अपने के पास सॉरी प्लस टाइम्स में अपने के पास डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन। डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिनोमिनेटर अपने के पास है तो यह आ गया माइनस 3 sin x और प्लस टाइम्स कॉस एक्स, तो हम कॉस एक्स को पहले लिख रहे हैं और माइनस साइनस माइनस 3 sin x को बाद में लिख रहे हैं, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कॉफिशियंट को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कॉफिशियंट को हम कंपेयर करने बैठे तो यहाँ से कॉस एक्स का कॉफिशियंट 2 के बराबर है, तो यहाँ पर इनके स्क्वायर आ जाएंगे तो 3a और प्लस टाइम्स अपन के स्क्वायर आ जाएंगे तो b के बराबर। यहाँ से b का वैल्यू बताइए, b इक्वल टू आ गया अपन के बराबर 2 - 3a 2 - 3a के बराबर, हाँ है ना। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया, अगर दूसरा इक्वेशन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो साइन एक्स का कॉफिशियंट -1 के बराबर और इक्वल टू यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये इधर साइन एक्स का कॉफिशियंट ए है और इधर अपने के स्क्वायर जो माइनस टाइम्स 3b के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो माइनस ए इक्वल टू आ गया अपने कैसे ए और माइनस टाइम्स 3b की जगह अपने कैसे ये पूरी क्वांटिटी चिपका देते तो 2 - 3a के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे, तो ए माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया 9a के बराबर, हाँ है ना, और ये किस आ जाएंगे -1 के बराबर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अपने कैसे 10a और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 5 के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, हाँ या ना। जब ए इक्वल टू 1/2 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने कैसे बी का वैल्यू बता सकते हैं, बी का वैल्यू हम क्या करते हैं इसमें चिपकाते हैं, तो बी इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 - 3/2 के बराबर, यानी बी इक्वल टू बी अपने किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, हाँ या ना। जब बी इक्वल टू 1/2 के बराबर है तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते, ए और बी का वैल्यू डालते हैं और इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं। तो बताइए यहाँ से आ गया अपने के बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए और बी की जगह वैल्यू चिपकाइए और अपने के काम खत्म। तो ए क्या अपने के बराबर 1/2, यहाँ से आ गया अपने 1/2 3 cos x प्लस टाइम्स साइन एक्स, हाँ ना, कॉस एक्स साइन एक्स और प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो 1/2 ये आ गया अपने के कॉस एक्स और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएगा 3 sin x के बराबर, हाँ है ना। और होल अपोन में अपने कैसे बताइए, तो होल अपोन में अपने कैसे बराबर हो गया, तो होल अपोन में आ गया 3 cos x 3 cos x और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स साइन एक्स के बराबर या प्लस टाइम्स साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। अब हम क्या करते हैं इसको अपने के पास स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ये लिखा हुआ अपने के पास 1 लिखा हुआ है 1/2 और ये रहा अपने के पास dx, हम एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन अपने के पास 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा और ये रहा अपने के पास cos x और माइनस टाइम्स 3 sin x के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने के पास करा देंगे तो 3 cos x और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स साइन एक्स के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। अब अपने के पास इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किस आ जाएंगे तो 1/2 और ये आ गया अपने के पास x के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया 1/2 ln, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, तो आगे ln mod 3 cos x
कॉस एक्स और प्लस टर्म्स क्या आ जाएंगे, तो साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना। इसमें आपने क्या ब्रैकेट लगाइए, फिर मॉड लगा दीजिए और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से हम अगर ब्रैकेट लगाते हैं, ये आपने क्या अगर ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं तो ये जो 1/2 है, 1/2 आपने के पास ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना। बराबर, किसी को हमारे इससे से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपने क्या 1/2 एक्चुअल में ये वाला हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसको आपने के पास क्या करो, थोड़ा सा अबे तू ये हो जा, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो, और इसको भी आपने के पास थोड़ा सा इधर कर, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। ये अपने कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने के पास कंपेयर कर लीजिए, जैसे अपने के ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, बीटा इक्वल टू 3 हो गया, और गामा इक्वल टू, नहीं, बीटा इक्वल टू अपने के पास 1 के बराबर और गामा इक्वल टू अपने के आ जाएंगे। कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, बीटा साइन एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 1 के बराबर, और गामा इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 3 के बराबर, हाँ ना। तो यहाँ से अपने फुल एंड फाइनल आंसर बताते हैं, ये आ गया अल्फा प्लस टाइम्स गामा अपॉन में बीटा, ठीक है। तो अल्फा अपने के बराबर है 1 के बराबर, गामा अपने के 3 के बराबर है, और बीटा 1 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर, यानी 4 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने जेई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लाए तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, बस अपने थोड़े बहुत दिमाग लगाने, एक और तरीका है जो कि आपने हम आपको शुरू में बता दिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।